हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्टर्स पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स। एंड आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स के सेकंड ब्रांच जो है वेव ऑप्टिक्स। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स को, तो आपको याद होगा शायद जब हमने ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस हैं। पहला तो रे ऑप्टिक्स, दूसरा क्या है दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या था? रे ऑप्टिक्स था ऑप्टिक्स का वो सब ब्रांच जिस ब्रांच पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में। एंड वेव ऑप्टिक्स क्या है दोस्तों? वेव ऑप्टिक्स है जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट के वेव नेचर के बारे में। तो फटाफट से वेव ऑप्टिक्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो क्या है दोस्तों वेव ऑप्टिक्स का डेफिनेशन? वेव ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन व्हिच we study about the wave nature of light। समझ में आया wave optics क्या है दोस्तों? wave optics है optics का एक branch जिस branch में हम लोग study करते हैं light के wave nature के बारे में। and रे ऑप्टिक्स क्या है दोस्तों? रे ऑप्टिक्स ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने रे ऑप्टिक्स का क्लासेस करके रखा है, इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है? तो जिस ब्रांच पे हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी करते हैं वो ब्रांच है क्या दोस्तों? रे ऑप्टिक्स। एंड जिस ब्रांच पे हम लोग लाइट के वेव नेचर को स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच क्या है दोस्तों? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? ये हो गया वेव ऑप्टिक्स एंड ये हो गया रे ऑप्टिक्स, ठीक है? क्योंकि दोस्तों लाइट में डुअल नेचर होता है, इसी वजह से हम लोग लाइट को दो अलग अलग ब्रांचेस में स्टडी करते हैं। एक ब्रांच पे हम लोग एक नेचर को स्टडी करते हैं, दूसरे ब्रांच पे दूसरे नेचर को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों लाइट ओरिजिनली वेव नेचर का है या फिर लाइट ओरिजिनली पार्टिकल नेचर का है, ये जो कन्फ्यूज़न है दोस्तों, ये जो डिस्कशन है ये सदियों से चलता आ रहा है। एंड अब तक हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं कर पाए कि लाइट का ओरिजिनल नेचर कैसा है। ओके, एंड आखिर में जाके हम लोगों ने दोनों ही नेचर को एक्सेप्ट कर लिए कि लाइट में दोनों ही नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर दूसरा है वेव नेचर। क्योंकि कुछ फेनोमिनन ऐसा है दोस्तों, जब हम लोग लाइट को पार्टिकल मानते हैं तब जाके वो सारे फेनोमिनन एक्सप्लेन हो पाता है। एंड कुछ फेनोमिनन ऐसा है जब हम लाइट को वेव मानते हैं तब जाके वो फेनोमिनन एक्सप्लेन हो पाता है। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही नेचर को एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये कहानी शुरू होता है एक महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन जी से। तो सर आइजैक न्यूटन जी 1675 में अपना एक पार्टिकल थ्योरी पब्लिश करता है जिसको हम लोग न्यूटन्स कर्पस्क्युलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस थ्योरी में न्यूटन जी ने क्या कहा, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि कुछ लिखना होगा मुझे बोर्ड पर। चलो, तो हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1675 में पब्लिश हुआ था, ठीक है? तो पहला जो बात उन्होंने कही कि प्रत्येक लाइट सोर्स बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स को एमिट्स करते हैं, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को छोड़ते हैं एक लाइट सोर्स, ओके, जिसका नाम उन्होंने दिया
कर्पस्कल्स, ठीक है, कर्पस्कल्स। कर्पस्कल्स का अर्थ यह है दोस्तों, वो बहुत ही छोटा 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 पार्टिकल है, ठीक है, जो कि एक लाइट सोर्स से निकलता है। एंड ये पार्टिकल्स इलास्टिक हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के हो सकते हैं, लेकिन सभी पार्टिकल जैसा भी हो मासलेस होगा, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, एवरी लाइट सोर्स एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स, आप वेरी टाइनी भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, टाइनी पार्टिकल्स व्हिच इज व्हिच इज, दिख रहा है, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, व्हिच मे बी इलास्टिक, रिजिड एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है दोस्तों, बट ऑल पार्टिकल आर क्या होगा, मासलेस होगा, ठीक है, बात समझ में आया। पहला बात उन्होंने क्या कहा कि एवरी लाइट सोर्स एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड कॉर्पस्कल्स व्हिच मे बी इलास्टिक रिजिड एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज बट ऑल पार्टिकल्स आर मासलेस। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि हर एक लाइट सोर्स, प्रत्येक लाइट सोर्स बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को छोड़ते हैं जो कि चारों ओर बिखर जाते हैं, ठीक है, जो कि चारों ओर फैल जाता है। ये सारे पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया कर्पस्कल्स, कर्पस्कल्स, ठीक है। एंड ये सारे पार्टिकल हो सकते हैं इलास्टिक, रिजिड एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज का हो सकता है, लेकिन ये सभी पार्टिकल क्या होगा दोस्तों, मासलेस होगा, ठीक है, ओके। चलो ये पहली बात उन्होंने इस थ्योरी में कहा। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ऑल कॉर्पस्कल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है दोस्तों, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है, मतलब कॉर्पस्कल्स है, ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन बराबर, ठीक है, ये टेढ़े मेरे रास्ते पे नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सीधे रास्ते बराबर ट्रैवल करेगा। एंड इसका जो स्पीड होगा दोस्तों, वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट होगा। चलो इसको भी लिख लेते हैं, एंड द स्पीड ऑफ दिस कॉर्पस्कल्स एंड द स्पीड ऑफ दिस कॉर्पस्कल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो ये जो स्पीड होगा दोस्तों कॉर्पस्कल्स का, ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट होता है, अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होता है। एंड स्पीड इज मैक्सिमम मैक्सिमम इन डेंसर मीडियम, ठीक है। एंड ये जो कॉर्पस्कल्स हो दोस्तों, ये डेंसर मीडियम पे ज़्यादा स्पीड से चलता है एज कम्पेयर टू रेयरर मीडियम, मतलब पतले माध्यम में ये कम स्पीड पे जाएगा एंड डेंसर मीडियम पे ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ओके, घन माध्यम पे ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ठीक है, ऐसा न्यूटन जी ने कहा है अपनी थ्योरी में, ओके। एंड जगह नहीं है नीचे तो फिर इसको इरेज करना पड़ेगा, अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ओके। चलो तीसरा बात जो उन्होंने कहा, इसको अभी देख लेते हैं। तीसरा बात उन्होंने कहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ दिस कॉर्पस्कल्स,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट का क्या हुआ, जो कॉर्पस्कल्स होगा वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज का होगा, ठीक है ओके। तो ये सारे बातें उन्होंने अपने इस थ्योरी में कहा, जिसको हम लोग न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। एंड आपके सिलेबस में ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी उतना डीप से नहीं है, बिल्कुल इसका कंसेप्ट ही आपको चाहिए होगा, ठीक है ओके। चलो, तो इस थ्योरी के माध्यम से न्यूटन जी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये तीनों फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाए। मतलब ये था इस थ्योरी का सक्सेस, ठीक है। ये भी लिख लो, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन, फर्स्ट क्या है दोस्तों, लीनियर प्रोपागेशन लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो रैखिक विस्तार करते हैं, ठीक है। लाइट एक लाइन, लाइट क्या है, एक लाइन बराबर जो फैलता है, प्रोपागेट होता है, विस्तार होते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी के माध्यम से न्यूटन जी ये वाला फिनोमिनन एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए इस थ्योरी के सहारे। एंड तीसरा है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। लेकिन क्या है दोस्तों, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, पहला तो डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एंड क्या है दोस्तों, तीसरा क्या है, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये तीनों फेनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के सहारे न्यूटन जी ये तीनों फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये तीनों को कर पाए, ये तीनों को नहीं कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा सक्सेस रहा एंड थोड़ा सा फेल भी रहा, फेल भी हो गया, ओके चलो। एंड दोस्तों, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी कम्प्लीटली फेल हो गया जब साइंटिस्ट फोकल जी ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि लाइट का स्पीड रेयरर मीडियम पे ज़्यादा है एंड डेंसर मीडियम पे कम है। लेकिन न्यूटन जी ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि लाइट का स्पीड डेंसर मीडियम पे ज़्यादा होगा एंड रेयरर मीडियम पे कम होगा, मतलब वाटर पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, एयर पे लाइट का स्पीड कम होगा। लेकिन क्या है दोस्तों, 1850 में साइंटिस्ट फोकल जी एक एक्सपेरिमेंट के सहारे ये प्रूव कर दिया कि लाइट का स्पीड एयर पे ज़्यादा है, वाटर पे कम है, तब जाके ये थ्योरी कम्प्लीटली फेल हो गया, ओके। एंड आप ही मुझे बताइए कि जिस रास्ते पे भीड़ ज़्यादा होगा आप उस रास्ते से ज़्यादा तेज़ी से जा पाएंगे, या फिर जिस रास्ते में भीड़ कम होगा उस रास्ते पे आप जा पाएंगे। डेफिनेटली जिस रास्ते पे भीड़ भट्टा कम होगा आप उस रास्ते से तेज़ी से जा पाएंगे, मतलब रेयरर मीडियम से, ठीक है। तो लाइट भी वैसा ही दोस्तों, रेयरर मीडियम से ज़्यादा स्पीड में जाएगा एंड डेंसर मीडियम पे कम स्पीड पे जाएगा, ठीक है ओके। तो इसके बाद आते हैं डच साइंटिस्ट हाइजन जी अपना वेव थ्योरी ऑफ लाइट लेके, ओके। तो न्यूटन जी के इस थ्योरी के 3 साल बाद, ठीक है चलो इसको इरेज कर देता हूँ कम्प्लीटली, अगर आपने लिख लिया होगा। तो हाइजन जी थे एक डच साइंटिस्ट, ओके, डच साइंटिस्ट, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि 1678 में पब्लिश करा था, ठीक है, न्यूटन जी के 3 साल बाद ही पब्लिश करा था। लेकिन तब इस थ्योरी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया क्योंकि न्यूटन जी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे एंड ये एक छोटे मोटे साइंटिस्ट थे तब के वक्त में, ओके। तो इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला हाइजन जी को। तो हाइजन जी ने क्या कहा है दोस्तों, लाइट एक मैकेनिकल वेव है, क्या है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव, ओके। तो इन्होंने लाइट को वेव कहा, किस तरह का वेव, मैकेनिकल वेव, ओके, व्हिच रिक्वायर्स
अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। एंड उन्होंने इथर्स थ्योरी का सहारा लिया यहाँ पे, इथर्स थ्योरी क्या कहता है दोस्तों कि हमारे पूरे यूनिवर्स पे एक बहुत ही पतला, बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक एक मीडियम है दोस्तों, जो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड पे फैला हुआ है, ठीक है। एंड जिसके थ्रू क्या करेगा दोस्तों, लाइट जो है ट्रैवल करेगा, ये मैकेनिकल वेव ट्रैवल करेगा, ठीक है। ओके, तो इथर्स थ्योरी को लिख लेते हैं यहाँ पे, देयर इज अ वेरी डाइल्यूट, ठीक है, सॉरी ये एल होगा डाइल्यूट, चलो इसको फिर से लिखता हूँ, एंड वेरी इलास्टिक, वेरी डाइल्यूट एंड वेरी इलास्टिक मीडियम कॉल्ड ईथर। ओके, देयर इज अ वेरी डाइल्यूट एंड वेरी इलास्टिक मीडियम कॉल्ड ईथर इज स्प्रेड एवरीवेयर, इज स्प्रेड एवरीवेयर, ठीक है। मतलब एक बहुत ही पतला, ठीक है, डाइल्यूट मतलब पतला, बहुत ही पतला एंड बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक मीडियम, जिसको हम लोग इथर कहेंगे, ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ है एंड जिसके थ्रू ये मैकेनिकल वेव ट्रैवल करेगा, ठीक है। ओके, तो इस थ्योरी के सहारे हाइजेंस जी बहुत ज़्यादा फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाए, जैसे कि पहला तो है दोस्तों, चलो लिख लेते हैं, अगर आपने ये लिख लिया है तो बहुत ही मेहरबानी होगी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन क्या होगा दोस्तों, पहला तो इस थ्योरी के सहारे हाइजेंस जी लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। ओके, लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर दिए। दूसरा क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस थ्योरी के सहारे ये एक्सप्लेन करा जा सका। एंड तीसरा क्या है दोस्तों, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, जो एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू कंस्टेंट, तो ये वाला लॉ भी इस थ्योरी के सहारे एक्सप्लेन करा जा सका। ओके, देन उसके बाद इंटरफेरेंस, ये भी एक्सप्लेन हो गया, एंड डिफ्रैक्शन, इसको भी एक्सप्लेन करा जा सका। लेकिन क्या है दोस्तों, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन, ठीक है, ये थ्योरी ये सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाया लेकिन पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ओके, तो ये था हाइजेंस वेव थ्योरी। एंड हाइजेंस जी लाइट के जो लीनियर प्रोपागेशन है दोस्तों, लाइट कैसे लीनियरली प्रोपागेट होता है, कैसे एक लाइन बराबर फैलता है चारों ओर, इसके लिए दो प्रिंसिपल उन्होंने दिया। ओके, उन्होंने दो प्रिंसिपल दिया कि लाइट कैसे चारों ओर फैलता है, ठीक है, प्रोपागेशन। तो ये प्रिंसिपल्स को हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग वेव फ्रंट को समझ लेते हैं कि व्हाट इज वेव फ्रंट। ओके, चलो ये मैं इरेज करने वाला हूँ अभी। ओके, अभी हम लोग वेव फ्रंट के बारे में समझेंगे, व्हाट इज वेव फ्रंट।
वेब फ्रंट क्या है दोस्तों, देखो तो दोस्तों वेब फ्रंट को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेने वाला हूँ एंड आपको चीज़ें बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, आप सारी चीज़ों को विजुलाइज कर पाए बेहतर तरीके से। इसके लिए मैं यहाँ पे आपका एनिमेशन भी प्ले करवाऊँगा, ठीक है? तो आप एनिमेशन भी देखिएगा एंड मैं यहाँ पे आपको जो कुछ भी बताऊँगा ये सारी चीज़ों को आप गौर कीजिएगा। तो दोस्तों वेब फ्रंट क्या है, वेब फ्रंट है एक मीडियम पे जितने सारे पॉइंट सेम फ्रेज में वाइब्रेट होगा वो सभी पॉइंट्स का लोकस को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, वेव फ्रंट। बात समझ में आया, एक मीडियम पे जितने सारे पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट होगा वो सभी पॉइंट्स के लोकस को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। अब सेम फेज का मतलब क्या है दोस्तों, सेम फेज मतलब सभी पॉइंट कोई भी डिफरेंस ना रखते हुए वो वाइब्रेट होगा, मतलब उन सभी पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? वो सभी एक साथ एक ही जैसा वाइब्रेट होगा, ये कोई भी छोटा सा भी एकदम हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है, इसके लिए वो क्या है दोस्तों, सेम फेज में है, ठीक है? तो सेम फेज में अगर वाइब्रेट होता है तो वो सभी पॉइंट का लोकस को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। तो दोस्तों देखो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो आप जब एक ठहरे हुए पानी में एक पत्थर मारेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पानी कुछ इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि आपको इस एनिमेशन पे दिख रहा होगा। तो आपने उस पॉइंट पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया एंड पानी क्या कर रहा है दोस्तों, उस डिस्टरबेंस को चारों ओर फैला रहा है, ठीक है? वेव के आकार में फैला रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल कैसे फॉर्म हो रहा है एंड ये सर्कल का साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब उस पॉइंट से डिस्टरबेंस जो है दोस्तों वो धीरे धीरे दूर की तरफ जा रहा है, फैल रहा है। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे जो एनिमेशन दिख रहा होगा वहाँ पे आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि डिस्टरबेंस कैसे चारों ओर फैल रहा है, ठीक है? एंड डिस्टरबेंस धीरे धीरे उस पॉइंट पे कम रहा है, आपका जो पत्थर फेंकने का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्किल फॉर्म हो रहा है दोस्तों, ये सर्किल में सारे पॉइंट्स क्या है दोस्तों, ये सारे पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है? एक वेव कैसा होता है, वेव बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है? ओके, बिल्कुल एक ऐसा होता है। तो ये वेव चारों ओर सर्कल के आकार में फॉर्म हो रहा है, ये पॉइंट पे अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट किए तो ये कुछ इस तरह से सर्किल जो है दोस्तों फॉर्म हो रहा है एंड ये सर्किल का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब डिस्टरबेंस धीरे धीरे दूर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया वेव एंड ये वाला फिगर यहाँ पे आएगा, ठीक है? ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रस्ट एंड इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रफ, ठीक है? ओके, तो ये क्रस्ट एंड ये ट्रफ ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो ये क्रस्ट एंड ट्रफ बिल्कुल इस तरह से ये वेव धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है? तो अभी आप अगर ये ट्रफ को ले लें तो ये ट्रफ को अगर आप एक सर्कल फॉर्म करते हैं तो ये ट्रफ में मतलब ये सर्कल में जो सभी पॉइंट्स होगा दोस्तों वो सभी पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट होगा। या फिर आप इस क्रस्ट को ले लें, ठीक है, जो कि आपको एनिमेशन पे दिख रहा होगा या फिर सर्कल फॉर्म करा रहा होगा, तो ये सर्कल में जितने सारे पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट क्या होगा, सेम फेज में वाइब्रेट होगा। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स के लोकस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट, जो कि ये सर्कल है, ठीक है? यहाँ पे जितने सारे पॉइंट है इसका लोकस ये सर्कल है एंड इस सर्कल को हम लोग वेव फ्रंट कह सकते हैं, ठीक है? ओके, चलो अब लाइट का जो सोर्स होगा दोस्तों वो अगर पॉइंट सोर्स हो तो ये वेव फ्रंट किस तरह का दिखेगा ये हम देख लेते हैं। बिल्कुल एनिमेशन प्ले हो रहा होगा दोस्तों। देखो जब एक पॉइंट सोर्स आप लेते हैं, लाइट का एक पॉइंट सोर्स लेते हैं, तो वहाँ से क्या होगा दोस्तों, वहाँ से लाइट जो है वेव के आकार में चारों ओर फैलेगा, ठीक है? चारों ओर मतलब हर एक दिशा में, एवरी डायरेक्शन पे ये फैलेगा, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैंने 2D ड्रॉ करा लेकिन लाइट सोर्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने अगर एक बल्ब लिया, इस टिप में मैंने अगर एक बल्ब लगाया तो ये बल्ब से चारों ओर 3D फैलेगा। तो ये किस तरह का होगा दोस्तों, ये होगा स्फेरिकल टाइप का, मतलब एक फुटबॉल जैसा होगा, ठीक है? एंड इस फुटबॉल का साइज धीरे धीरे बढ़ेगा एंड इस तरह से लाइट जो है दोस्तों क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा एंड ये फुटबॉल, ये स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है दोस्तों ये क्रिएट होता रहेगा एंड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिस तरह से ये पानी में हो रहा था। पानी में हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो हमें 2D दिख रहा था, लेकिन लाइट के केस में ये 3D होगा, ठीक है ना? स्फेरिकल टाइप होगा, बिल्कुल एनिमेशन पे आपको दिख रहा होगा। विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, एक फुटबॉल है,
एक पॉइंट से एक फुटबॉल निकल रहा है एंड ये फुटबॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड उसके साथ साथ दूसरा फुटबॉल क्रिएट हो रहा है वो भी बढ़ रहा है, तीसरा फुटबॉल क्रिएट हो रहा है वो भी इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लाइट फैल रहा है। पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होगा दोस्तों वो कैसा होगा, वो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। याद रखिएगा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट तीन तरह के है, तो एक हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चले आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मतलब क्या है दोस्तों, लाइट सोर्स अगर आपका क्या है लीनियर है, लीनियर लाइट सोर्स जैसे कि एक ट्यूब, ठीक है, घर में आपका ट्यूब होगा तो ट्यूब में क्या है वो लीनियर होता है, ठीक है। लीनियर के केस में क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे जैसे ये वाला एक ट्यूब है, मान लेते हैं ये ट्यूब है, इसको अगर करंट देते हैं तो ये लाइट देगा, तो ये हो गया लीनियर लाइट सोर्स। एंड जब आप इसको लाइट ग्लो करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से थ्री डायमेंशनल निकलेगा। एंड ये जो वेव फ्रंट होगा दोस्तों वो सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल होगा। इसी पॉइंट को अगर आप यहाँ पे दे देते हैं तो ये जो वेव फ्रंट दिखेगा आपको ये सिलिंड्रिकल दिखेगा, जैसे कि एनिमेशन पे आपको दिख रहा होगा। जस्ट विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर सिलिंड्रिकल साइज का है वेव फ्रंट, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड सोर्स से एक छोटा सा फिर से सिलेंडर क्रिएट हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, वो इस तरह से फैल रहा है। तो दूसरा टाइप हो गया दोस्तों सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसको लिख लेते हैं, पहला है क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, सॉरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट, ओके। एंड तीसरा क्या है दोस्तों, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट, सॉरी प्लेन प्लेन वेव फ्रंट, ओके। ये हो गया तीसरा टाइप ऑफ वेव फ्रंट। जब लाइट सोर्स बहुत ही दूर रहता है, बहुत ही दूर रहता है, तो वो चाहे आपका स्फेरिकल टाइप हो या फिर सिलेंड्रिकल टाइप हो कोई बात नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे आते 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 कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो प्लेन जैसा हो जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ से अगर आप एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, तो वो प्लेन जैसा ही होगा ना बिल्कुल। आप यहाँ से एनिमेशन देखिए एंड एनिमेशन को देख के आप क्या कीजिए, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत दूर से लाइट आ रहा है तो आते आते उसका जो सरफेस होगा दोस्तों, वो चाहे स्फेरिकल हो वो चाहे सिलेंड्रिकल हो, वो सरफेस का अगर छोटा सा एरिया लेते हैं हम लोग, तो वो प्लेन जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है ना, वो प्लेन जैसा ही बिहेव करेगा। एंड इस तरह का वेव फ्रंट को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, हम लोग कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो ये था तीन वेव फ्रंट। एंड इस वेव फ्रंट के सहारे क्या है दोस्तों, लाइट जो है फैलता है, ठीक है, ओके। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा ना तो आप बिल्कुल कमेंट पे मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ पे आपका डाउट है। एंड आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम अकाउंट खोलना है एंड टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है पॉलीटेक्निक स्टडीज फैमिली, या फिर आप पॉलीटेक्निक फैमिली भी सर्च करते हैं तो दोनों ही अकाउंट जो है दोस्तों मिल जाएगा हमारे नाम पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल मुझे डाउट पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। एंड बहुत ही जल्द व्हाट्सएप सर्विस भी स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे डाउट जो है दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हाइजन जी ने जो प्रिंसिपल दिया है लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट कैसे प्रोपागेट होता है, लाइट कैसे फैलता है, इसके लिए जो प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं वो अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हम लोग इरेज कर देते हैं, ओके। बिल्कुल आपके सिलेबस में वेब ऑप्टिक्स ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेब ऑप्टिक्स से लगभग 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। एंड ये जो हाइगेंस वेव थ्योरी है दोस्तों, इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे एंड वेब फ्रंट से तो पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ वेब फ्रंट, व्हाट इज़ वेब फ्रंट एंड टाइप्स ऑफ वेब फ्रंट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ वेब फ्रंट, ये तो आपको पता ही है कि सेम फेज में वाइब्रेट होने वाली सभी पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं वेब फ्रंट, ये एक मीडियम के लिए, ओके। एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कितने हैं, तीन टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट है, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के लिए आपका है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। एंड क्या है कि लाइट सोर्स अगर बहुत दूर हो, इन्फिनिट डिस्टेंस पे हो, तब जाके जो वेव फ्रंट क्रिएट होता है वो है प्लेन वेव फ्रंट। तो ये तीन तरह के वेव फ्रंट आते हैं, ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। एंड मैंने यहाँ पे आपको एनिमेशन भी दिखाया एंड आपको विजुलाइज हो गया होगा शायद, आप जस्ट इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बताए हैं, ओके। चलो
एंड दोस्तों अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तो हमने समझ लिया, व्हाट इज वेव फ्रंट एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट भी हमने समझ लिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों, चलो पहले हिंदी में जान लेते हैं, देन उसके बाद इंग्लिश में लिख लेंगे। तो पहला क्या है दोस्तों, एक वेव फ्रंट में जितने सारे पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट क्या होगा दोस्तों, सेम फेज में होगा। ठीक है, एक वेव फ्रंट में जितने सारे पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट सेम फेज में होगा। चलो इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑन या फिर इन ऑन अ वेव फ्रंट आर इन सेम फेज। ठीक है, ओके, तो एक वेव फ्रंट में जितने सारे पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट सेम फेज में होगा। दूसरा क्या है दोस्तों, एक वेव फ्रंट पे दो पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, एक वेव फ्रंट लेते हैं, वहां पे दो पॉइंट हम लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट के अगर फेज डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, उसके बीच अगर फेज डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया है कि एक वेव फ्रंट पे सभी पॉइंट का फेज सेम होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, द फेज डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट इज जीरो। ठीक है, फेज डिफरेंट क्या होगा, एक वेव फ्रंट पे जितने सारे पॉइंट होगा, अगर दो पॉइंट लेते हैं तो दो पॉइंट के फेज डिफरेंस होगा जीरो। ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स सेम फेज में होते हैं। ठीक है, एंड तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट में क्या होगा दोस्तों, फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है तो वेव फ्रंट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। अगर हम लोग कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट को देखेंगे तो यहाँ पे फेज डिफरेंट आएगा, क्योंकि इस वाले वेव फ्रंट पे जो फेज होगा इस वाले में वो नहीं होगा, अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो अगर कंसेक्यूटिव की बात करते हैं, इसके साथ इसके देखते हैं तो फेज डिफरेंस आएगा, इसके साथ इसके अगर देखते हैं तो फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा बात है, तो इसको भी लिख लेते हैं, द फेज ऑफ कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट The phase of consecutive wavefront is different. ठीक है, ओके, ये हो गया। एंड चौथा क्या है दोस्तों, the perpendicular drawn on wavefront gives the direction of light ray। ठीक है, ओके, तो अगर हम किसी वेव फ्रंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक लाइट रे का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल इस तरह से देखो, यहाँ पे ये है वेव फ्रंट, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर करा, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे करा, यहाँ पे करा, तो ये जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन हमें मिल रहा है ये है लाइट रे का डायरेक्शन। ठीक है, तो वेव फ्रंट पे हम लोग जितने सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सभी क्या करेगा, एक लाइट रे का डायरेक्शन को शो कराएगा। ठीक है, एंड आप जानते हैं एक पॉइंट सोर्स से बहुत सारे लाइट, इन्फिनिटीज लाइट रेस निकलता है। ठीक है, बहुत सारे लाइट रेस निकलता है, तो आप एक वेव फ्रंट पे बहुत सारे इन्फिनिटी क्या करते हैं, इन्फिनाइट आप लाइट रे ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट जो आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाता है तो आपको ये चारों के चारों लिखना होगा। ठीक है, एंड आपके पास अगर फिजिक्स किताब है तो आप वहाँ से भी
लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक दो ज़्यादा मिल जाता है तो बेहतर रहता है, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को याद रखने की, ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को याद रखने की, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में याद रखते हैं तो आप भूल भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है दोस्तों वो इंटरेस्टिंग चीज़ों को याद रखता है, सिंपल सिंपल चीज़ों को याद रखता है, डिफ़िकल्ट चीज़ कुछ दिन बाद भूल जाता है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए सारे चीज़ों को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल्स देखेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल्स, ओके, कि लाइट जो प्रोपागेट होता है लीनियरली, उसके लिए हाइजेंस ने जो प्रिंसिपल बताए हैं, जो कहे हैं, जो दोनों पोस्टुलेट हमने हमको दिए हैं, तो वो क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल, एंड ये आज का आखिरी टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, बिल्कुल। ये दोनों मैं स्क्रीन पे शो करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों, Every point on the given wavefront act as a fresh source of new disturbance which emits their one wavelets called secondary wavelets which travels in all direction with the velocity of wave in the medium। ये था पहला पोस्टुलेट, पहला प्रिंसिपल, एंड इसको अभी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एनिमेशन भी प्ले कराऊंगा, ओके, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, पहले तो आपने यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ठीक है, एक डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट किया। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे वेव फ्रंट डेवलप होगा, ओके, एंड चलो एक ही लेते हैं, एक ही मान लेते हैं, ठीक है, ओके, ये हमने एक ही वेव फ्रंट हमने लिया, ओके, ये हो गया वेव फ्रंट, ये है प्राइमरी सोर्स जो आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ये प्राइमरी सोर्स, एंड यहाँ से एक वेव फ्रंट निकल रहा है, ठीक है, एंड इस वेव फ्रंट पे जितने सारे पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, चलो चारों ओर ले लेता हूँ। तो ये सारे पॉइंट क्या होगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट एक फ्रेश न्यू डिस्टर्बेंस जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट किया, ये वाला वेव फ्रंट डेवलप हो गया, एंड ये सभी जो पॉइंट है दोस्तों, ये सभी पॉइंट भी क्या करेगा, एक न्यू डिस्टर्बेंस की जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, मतलब इससे भी ऐसे वेव निकलेगा, ठीक है, इससे भी वेव निकलेगा, ओके, चलो निकालते हैं। ये ऐसा निकल गया, ये ऐसा निकाल रहा है, ये ऐसा निकाल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सभी पॉइंट जो है दोस्तों एक फ्रेश डिस्टर्बेंस के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, सभी पॉइंट एक डिस्टर्बेंस को ऐसे दे रहा है, ठीक है, ओके। तो ये जो निकाल रहा है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं वेवलेट्स, ठीक है, वेवलेट्स, ठीक है ना, एंड ये जो पहला था, ये था क्या दोस्तों, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है, ओके, ठीक है ना, ये था पहला प्रिंसिपल, एंड ये जो वेवलेट्स निकल रहा है दोस्तों, ये भी क्या वेव के वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल करता है, ठीक है, जैसे कि ये पूरा वेव कर रहा था, ठीक है, जैसे कि ये वेव फ्रंट जिस वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा था, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, वेवलेट्स भी क्या करेगा, वैसे स्पीड के साथ उस मीडियम पे ट्रैवल करेगा आगे की तरफ, ओके। तो ये हो गया पहला प्रिंसिपल, एंड दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है दोस्तों, देखो, द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, बैकवर्ड सेकेंडरी वेवलेट्स हैव नो एग्जिस्टेंस। तो ये था सेकेंड प्रिंसिपल जो कि आपको लिखना है। मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे अगर लिखने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड टाइम भी लगेगा, तो इसके लिए मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। एंड एक बात है दोस्तों, आज का जो क्लास है, आज का क्लास का जो PDF है दोस्तों, वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, ओके, चलो। तो अभी जो सेकेंडरी वेवलेट्स है दोस्तों, ये सारे सेकेंडरी वेवलेट हैं, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स को का जो कॉमन टेंजेंट है दोस्तों, मतलब यहाँ से अगर हम ये सारे कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं, सभी के कॉमन टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें एक और वेव फ्रंट मिल रहा है, ठीक है। ये कॉमन टेंजेंट को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, सेकेंडरी वेव
फ्रंट, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, एंड ऐसे ही क्रिएट हो रहा है, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट पे जितने सारे पॉइंट होगा वो भी एक फ्रेश डिस्टर्बेंस, फ्रेश न्यू डिस्टर्बेंस की जैसा वेव करेगा, एंड वहाँ से भी वेवलेट निकलेगा, एंड सारे वेवलेट के कॉमन टेंजेंट को जोड़ के हम लोग फिर से एक वेव फ्रंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेव फ्रंट क्या होगा, डेवलप होते 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 इस तरह से वो क्या हो रहा है, फैल रहा है चारों ओर, ठीक है। ओके, तो ये था हाइगेंस प्रिंसिपल। एंड यहाँ पे जो आपको एनिमेशन दिखा एंड दिख रहा है, जो एनिमेशन यहाँ पे यही चीज़ को दिखाया गया है। देखो जैसे कि एक छोटे से पॉइंट से वेव फ्रंट निकल रहा है, पहले तो एक डिस्टर्बेंस हो रहा है एंड उसके बाद वेव फ्रंट निकल रहा है, एंड वेव फ्रंट में जितने सारे पॉइंट है वहाँ से भी क्या डिस्टर्बेंस बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ओके, बाहर की तरफ निकल रहा है, एंड ये सारे वेवलेट्स का कॉमन टेंजेंट हम निकालेंगे, तो ये कॉमन टेंजेंट सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। एंड इस तरह से इसी प्रोसेस से वेव फ्रंट क्रिएट होता जा रहा है, एंड वेव जो है दोस्तों वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, एंड इस वेव फ्रंट का जो बैकवर्ड साइड है दोस्तों, बैकवर्ड साइड, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। ओके, सिर्फ फॉरवर्ड साइड है, बैकवर्ड साइड। तो दोस्तों ये था हाइगेंस प्रिंसिपल, एंड मैंने जो प्रिंसिपल स्क्रीन पे शो कराया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों प्रिंसिपल को बिल्कुल याद रखने की कोशिश कीजिएगा, एंड मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको समझाया तो इसको भी विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ये एनिमेशन को आप विजुलाइज करिएगा कि कैसा हो रहा है, देन अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइगेंस प्रिंसिपल को याद रखिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।